नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पी के बी एजुकेशन में। तो दोस्तों कैसे आप सभी, आज के वीडियो में यार हम बात करेंगे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, और साथ ही यार हम ये जानेंगे कि सभी स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर जो भी करना चाहते हैं वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना चाहते हैं। तो भाई इसका आंसर है पहली लाइन जो आप बड़ी बड़ी लिखी हुई पढ़ सकते हो, HAU। यहाँ से पढ़ाई कर बन सकते हैं कृषि वैज्ञानिक। और अगर किसी ने अखबार पढ़ा है तो भाई आपने तो ये न्यूज़ पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो भाई आप देखते रहिए वीडियो, पता चल जाएगा। और यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर कोर्स में होती है सबसे अधिक मारामारी। मारामारी का मतलब है यार आपका जो कंपटीशन हम बोलते हैं, यानी कि सभी स्टूडेंट्स जो भी BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यार फॉर्म अप्लाई करते हैं और सीटें इसके अंदर बहुत कम हैं। यानी कि लगभग अगर हम 4 ईयर यानी कि 12th बेस वाले एग्ज़ाम की बात करें तो 10-12 हज़ार कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और एडमिशन होगा यार 150 बच्चों का, अराउंड 155 सीट्स है। और इसी तरह 5-6 हज़ार बच्चे यार 10th बेस वाले अप्लाई करते हैं, 6-7 हज़ार भी हो जाते हैं, एडमिशन होता है यार 50 स्टूडेंट्स का। तो आपको पता चल रहा है कितना कंपटीशन है, तैयारी करते रहो भाई। और 4 ईयर वालों के लिए बुक वगैरह आ रखी है तो डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। अभी यार न्यूज़ पर आते हैं, तो यहाँ पर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कि जो भी भाई यहाँ से BSc एग्रीकल्चर कर लेता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहे चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहे, उसको नौकरी मिलना तय है। अगर एक बार यहाँ पर आपका एडमिशन हो गया ना तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ही बस सिर्फ इतना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके बाद आप नॉर्मल पढ़ते रहो, सीखते रहो, आपको नौकरी यहाँ से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चाहे आप खेती के वैज्ञानिक बनना चाहो, चाहे आप खेती के डॉक्टर बनना चाहो, कुछ भी यार आपका मतलब आपकी मर्जी है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। एग्रीकल्चर में जाने के बाद आप डॉक्टर बनना चाहते हो, वैज्ञानिक बनना चाहते हो, जो भी है तो आपको नौकरी तो मिल ही जाएगी। और वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में चाहते हो या प्राइवेट सेक्टर में, वो भी आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं होगा कि आप उसके बाद अनएम्प्लॉयड रह जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर में 3 कॉलेज आते हैं यार, एक बावलवे हैं और एक हिसार में, एक कोल में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है टोटल सीटें कितनी है, ये भी मैंने अभी भी बताया आपको। और इसके अंदर मेनली यार BSc 4 ईयर प्रोग्राम का होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, एक होता है BSc 6 ईयर, यानी कि प्लस टू के बाद भी आप BSc एग्रीकल्चर यहाँ से कर सकते हो, 10th के बाद भी आप यहाँ से BSc एग्रीकल्चर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ डिटेल्स ये भी दी गई है कि इसकी स्थापना 1970 में हुई थी, पहले ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक पार्ट था लेकिन बाद में इसको अलग यूनिवर्सिटी बना दिया गया। ये सारी बातें यार अगर आप चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको ज़रूर पता होगी, क्योंकि मैं ये बातें आपको बताता रहता हूँ अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस में, आपको मतलब सारी ये बातें मैंने कवर करवा रखी है। और अभी यार हम बात करते हैं अगर इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पर आप नीचे लिखा देख भी सकते हो कि BSc एग्रीकल्चर में दाखिले प्रवेश के माध्यम से ही लेने की योजना है, यानी कि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही लेने की योजना है, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम तो होगा जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यार कुछ कोर्सों में सीटों की बढ़ोतरी की भी संभावना है, यानी कि यार 10% सीटें इंक्रीज करने की संभावना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर क्या है, कोविड के कारण यार दाखिला प्रक्रिया में देरी हो रही है, दाखिला प्रक्रिया की सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जल्दी ही आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलने वाला है वेबसाइट पर, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी यार। और बाकी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। मिलते हैं यार जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान भी रखें। आपका दिन शुभ रहे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।